कमला रानी को देखा था, कैसे मटक मटक के सबको तोहफे दे रही थी, और तोहफे में दिया भी तो क्या, ये इन्नी सी चेन। अरे इससे भारी चेन तो हमारे घर के नौकर पहनते हैं। हाँ चन्नो, तू उन लोगों की हैसियत जानती है ना, तो क्यों अपना दिल जला रही है? जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी उतना ही उसके हाथ में दाना। मुट्ठी भर दाना? अरे अगर हमारे पैसों से खरीद कर ही हमें शगन देना था तो कम से कम हमारे हैसियत का तो ख्याल रखते। हमारे पैसे क्या मतलब? एलो, तुआनो तो कुछ पता ही नहीं है, उस रानो के बाऊजी ने ना अपनी जमीन रणबीर को बेच दी ताकि वो अपनी कुड़ी का ब्याह ठीक ठाक कर सके। वो कहते हैं ना, साड़ी जूती साड़े ही सर। रणबीर ने मास्टर जी की जमीन? हाँ, वो मास्टर जी ने ना साड़े भोले भाले रणबीर को अपनी दो कौड़ी की जमीन बेच दी, ना जाने कितने पैसे ले लिए उससे। उसके ना भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया उन लोगों ने, यहाँ तक कि उस निकम्मे सुखी को ना नौकरी पे भी लगा दिया। घर में रानो, वहां ऑफिस में सुखी, और साडा रणबीर उनकी मुट्ठी में। क्या वाकई रणबीर ने मास्टर जी की जमीन? इस बात पे तो रणबीर को शाबाशी देनी चाहिए। जी शाबाशी? हाँ, जब प्रीत बहन जी ये खुशखबरी सुनेंगी तो बहुत खुश होंगी। शन्नो, जिस जमीन की तुम बात कर रही हो ना, उस जमीन को खरीदने के लिए हमने क्या क्या जतन नहीं किए। अरे उस मुखिया को तो हमने जीना ही हराम कर दिया, तो उस जमीन के टुकड़े के पीछे, और आज वो जमीन खुद ब खुद हमारी झोली में आ गई, एक पके हुए आम की तरह। कमाल है माता रानी की सौ, मैंने तो इस घर के लोग और उनकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही।